पाकिस्तानी एक्ट्रेस की नापाक हरकत, हिंसा के लिए पीएम मोदी और रॉ को ठहराया जिम्मेदार, पीएम के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए दिल्ली पुलिस का लिंक मांगा, ट्वीट कर बोली पीएम मोदी और रॉ के खिलाफ दर्ज करानी है एफआईआर, दिल्ली पुलिस ने करारा जवाब दे, एक्ट्रेस की बोलती कराई बंद। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान समर्थक और पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। जगह जगह से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर शिनवारी ने पाकिस्तान के हालात के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहराते हुए दिल्ली पुलिस से मदद मांगी है। इस पर दिल्ली पुलिस ने मजेदार रिप्लाई करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बोलती बंद करा दी। दरअसल एक्ट्रेस सहर शिनवारी ने ट्वीट कर लिखा, किसी को दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन लिंक पता है, मुझे भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है, जो मेरे देश पाकिस्तान में अराजकता और आतंकवाद फैला रहे हैं। यदि भारतीय अदालतें स्वतंत्र हैं जैसा कि वे दावा करते हैं, तो मुझे यकीन है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय देगा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस शिनवारी के इस ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने मजेदार रिप्लाई किया है। पुलिस ने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, उनका अभी भी पाकिस्तान में अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सवाल पूछा है कि जब आपके देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया है तो आप ट्वीट कैसे कर रहे हैं। शहर के इस ट्वीट पर कई भारतीय लोग उनकी खिंचाई करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान सुलग रहा है। देश भर में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इमरान के समर्थक आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। इमरान की पार्टी पीटीआई ने देश भर में विरोध प्रदर्शन बुलाए हुए हैं। हिंसा को देखते हुए पाकिस्तान में धारा 144 लगाई जा चुकी है, जिसके चलते पाकिस्तान सरकार ने देश भर में सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान दूर संचार प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि आंतरिक मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में मोबाइल ब्रॉडबैंड को निलंबित कर दिया गया है। नवद टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।